हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जिस घोषणा के इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार वो जो घोषणा है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने कर दिया है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं, टोटल 165 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं उनको एक साथ ही चलाने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। एंड इसको लेकर बड़ी घोषणा हुई है रेलवे की तरफ से। और नई सरकार बनने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है नॉन एसी अमृत भारत गाड़ी को लेकर। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ये जो 165 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इसको लेकर पूरा अपडेट है क्या, और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड रूट है वो कौन कौन से होने वाले हैं, और यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या प्लानिंग किया है इसको लेकर, कब तक ये गाड़ियाँ चलेगी, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, नॉन एसी अमृत भारत की जो डिमांड है वो पूरे देश के अंदर काफी ज्यादा है, और अभी तक सिर्फ 2 ऐसी जो गाड़ियां हैं वो देश के अंदर चल रही है। और एज ए टेस्टिंग के लिए चलाई गई जो 2 अमृत भारत गाड़ियां हैं ये भी काफी अच्छी, उम्मीद से ज्यादा भी जो अच्छी परफॉर्म है वो ये कर रही है। एंड इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे इसको बड़े लेवल पर चलाएगी, जिसके क्रम में आगे बढ़ते हुए 165 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको मंजूरी मिल चुका है। वहीं दोस्तों, बात कर ले इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट की, तो दोस्तों एक्चुअली केंद्र सरकार पुष्पुल तकनीक की 165 जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको चलाने जा रही है। इनमें स्लीपर और जो जनरल कोच है वो लगे होंगे। वहीं चल रही मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो भारी संख्या में स्लीपर और जनरल के कोच है वो भारतीय रेलवे लगाने की तैयारी में है। और रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 एंड 2025-26 में लगभग 10,000 स्लीपर और जो जनरल श्रेणी के कोचेस हैं उनका उत्पादन करने की जो योजना है उसको मंजूरी दे दिया है। 2024-25 में 4,485 जनरल कोच और स्लीपर कोचेस का जो उत्पादन है उसका टारगेट रखा जा चुका है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष इसकी संख्या बढ़ाकर 5,444 की गई है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अकॉर्डिंग चालू वित्तीय वर्ष में अमृत भारत ट्रेनों के 1,181 जनरल और स्लीपर कोचों का जो उत्पादन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। इसके अलावा 55 अमृत भारत ट्रेन में लगाई जाने वाली जो पेंट्री कार कोचेस है वो भी बनाई जाएगी, यानी कि आने वाली जो भी अमृत भारत गाड़ियां होंगी उनमें हमें पेंट्री कार की भी जो सुविधा है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ियां ऑलमोस्ट सभी लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर चलेगी। और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर चलने की वजह से इसमें पेंट्री कार काफी ज्यादा जरूरी है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए पेंट्री कार भी इसमें लगाने के लिए मंजूरी मिल चुका है। 2025-26 में नॉन एसी कोच की संख्या 2,362 होगी और 110 पेंट्री कार बनाई जाएंगी अमृत भारत गाड़ियों के लिए। वहीं बाकी बचे नॉन एसी कोचों को 3,500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भारतीय रेलवे लगाने वाली है, और जिन ट्रेनों में 2 कोच है उनकी संख्या 4 की जाएगी। यानी कि चल रही जो भी गाड़ियां हैं मेल एक्सप्रेस टाइप की उनमें अभी के टाइम में जहां 2 कोचेस लगे हैं नॉन एसी टाइप के उनकी संख्या दोगुनी की जाएगी, 4 की जाएगी। यानी कि सिर्फ यहां पर अमृत भारत ही नहीं, चल रही जो भी गाड़ियां हैं उनमें भी नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले जो भी यात्री हैं उनकी यात्रा अब कहीं ना कहीं आसान होने वाली है। एंड इस बड़ी समस्या को भारतीय रेलवे ने समझा है और इस पर एक्शन लेते हुए इस पर जो काम है वो भी शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमारी ये जो 165 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं ये सच में पूरे देश में काफी बड़ी क्रांति लेकर आने वाली है, और जो नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा कहीं ना कहीं ये गाड़ियां सभी इंपोर्टेंट रूट पर आसान करेगी, क्योंकि पूरी तरह से नॉन एसी गाड़ियां होंगी इसलिए इसमें स्लीपर के भी काफी ज्यादा कोच होंगे। एंड स्लीपर में भी टिकट कंफर्म होने की जो चांसेस है वो इन अमृत भारत गाड़ियों में काफी ज्यादा होगी। वहीं दोस्तों, अमृत भारत एक पुष्पुल तकनीक पर चलने वाली गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो भी काफी अच्छा होता है एक नॉर्मल ट्रेन से अगर हम कंपेयर करें तो। इसलिए अमृत भारत गाड़ियों का जो ट्रेवल टाइम है वो भी एक नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले किसी भी रूट पर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली से पटना पहुंचने में एक नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ी को 14 घंटे लगते हैं, तो वहीं हमारी जो अमृत भारत होगी उसको 12 से 13 घंटे का ही जो समय है वो लगने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इसको लेकर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक अनौपचारिक मुलाकात में हिंदुस्तान मीडिया को बताया कि हमारे जो थर्ड एसी कोचेस है इसके अलावा स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ पर मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए नॉन एसी कोचों का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अमृत भारत ट्रेन का सफर मेल एक्सप्रेस ट्रेन से कहीं बेहतर साबित होगा, और भविष्य में आने वाले फ्यूचर में अमृत भारत ट्रेन की जो संख्या है वो देश के अंदर बढ़ने वाली है। और ये सभी जानकारी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है, यानी कि श्री अश्विनी वैष्णव जी भी खुद कह रहे हैं कि हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि ये गाड़ियां नई क्रांति लेकर आएगी नॉन एसी कोच में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए। एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी भारतीय रेलवे समझ चुकी है 2 रूटों पर चलाने के बाद। एंड इसीलिए एक साथ ही ये जो 165 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको मंजूरी दिया गया है। वहीं बात करेंगे रूट के बारे में, तो इन
इनके लिए जो एक्सपेक्टेड रूट है वो यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में इनको बड़े लेवल पर चलाएगी भारतीय रेलवे। इसके अलावा जितने भी बचे राज्य हैं उनमें भी इन अमृत भारत गाड़ियों की जो कनेक्टिविटी है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शुरुआती फेज में उन रूटों पर फोकस करा जाएगा जहाँ पर भीड़ ज्यादा है, नॉन एसी गाड़ियों की कमी है, उन पर सबसे पहले जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको उतारेगी भारतीय रेलवे। एंड ऐसे करके 165 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं वो पूरे देश के अंदर अवतार भरने वाली है। बाकी ये जो 165 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके लिए जो कोचों का प्रोडक्शन है इसको मंजूरी मिल चुका है। बाकी ये जो सभी की सभी गाड़ियां हैं इनके लिए पूरा जो डिटेल रूट लिस्ट है वो भी मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो 165 नई अमृत भारत गाड़ियां आने वाली है इनके लिए देश के अंदर कौन कौन से बेस्ट रूट हो सकते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा और फिलहाल इस अपडेट को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।